कर बरस रहे हैं। मूसलाधार बारिश का कहर खेतों में स्पष्ट नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। रेतीले टीलों के बीच पानी हिलोरे मार रहा है। अधिकांश खेत पानी से लबालब भर चुके हैं। खेतों में भरा पानी पाल तोड़ बह निकला, इससे उपजाऊ मिट्टी के साथ फसल भी बह रही है। वहीं जिले के अधिकांश तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। जगह जगह बरसाती नदी नाले बहने से सड़क मार्ग भी प्रभावित हो रहा है। के बाद हालात काफी बदतर हो गए। तेज बरसात से शहर में काफी तबाही हुई। सुबह से ही ट्रेन और बसों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। स्टेशन और हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। हालात ये हो गए कि कई जगहों पर पेड़ और दीवारें गिर गई और कई लोग पानी में फंस गए। यही नहीं, कई बाजारों की दुकानें पानी में डूब गई। पर शहर के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जोधपुर की जनता से अपील करना चाहूंगा कि अभी भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का फोरकास्ट है, तो कृपया करके आप सुरक्षित रखें अपने आप को। वहीं बाबड़ी कस्बे में ये बारिश चार बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ गई, जिनके गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश शहर मगर बरस रही है। शहर के खेतानाड़ी शहर की जनता कॉलोनी में कल देर भारी बारिश के कारण कान भर भरा कर ढहक। इसके मलबे में से एक महिला की मौत हुई, जब परिवार के दो सदस्य भी रूप से घायल हो गए। इस बारे में पड़ोस रहने वाले फरजाना ने बताया। रात को हमारे इधर बहुत हादसा हो गया। सब भागे और निकाले तो निकले, जब भी नहीं सब पकड़ के खींच खींच के बाहर निकाले। बहुत गरीब लोग है, इनकी कोई नहीं है, कमाने वाला एक इंसान है। चोरी के भी लगी, चार जने थे अंदर, एक की तो मौत हो गई और एक बहुत सीरियस है, और एक का हाथ अंग फेर गया, और लड़के से थोड़ी सी खरोच आई। ये कौन सी जगह है? ये जनता कॉलोनी नहर के ऊपर। बहुत बहुत नुकसान हुआ रात को 12-1 बजे, बहुत नुकसान हुआ। कोई हो सके तो मदद करना, बहुत बहुत मदद करना, बहुत गरीब भैया रोज।